नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और आज हम इस वीडियो में संभावना तलाशने की कोशिश करेंगे कि आगे कल के दिन निफ्टी के अंदर क्या होने वाला है, क्या संभावना हो सकती है, निफ्टी कहाँ जा सकता है। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर वन डे की सेटिंग है और यहाँ पर दो लाइन्स मैंने ड्रॉ करी हुई हैं, जो कि मैं रेगुलरली इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन रेंज की लाइन है और इसका जो लोअर लेवल है वो है 11,850 के आसपास और जो इसका अपर लेवल है वो है 12,150 के आसपास। मैं आप लोगों को रेगुलरली बोल रहा था कि अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो निफ्टी की वन डे की जो क्लोजिंग है वो ऊपर वाले लेवल को क्रॉस करके होनी चाहिए। आज ऐसा हुआ है, 12,165 के आसपास आज क्लोजिंग हुई है, 12,150 के आसपास, 12,150 के ऊपर जाकर आज क्लोजिंग दी है मार्केट ने। अब लोगों के माइंड में एक सवाल होगा कि अब तो इस डिस्ट्रीब्यूशन रेंज का ब्रेकआउट ऊपर हो चुका है, यानी कि अब जो है मार्केट डेफिनेटली 12,300-12,500 की तरफ बढ़ना चाहिए। तो टेक्निकल्स के हिसाब से अब हम देख लेते हैं कि आज जो हमारा ब्रेकआउट हुआ है ये रियल ब्रेकआउट है इस डिस्ट्रीब्यूशन रेंज में से, या फिर ये एक फेक ब्रेकआउट है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इसको पहचाना नहीं कि ये रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है, तो यहाँ पर हम बहुत धोखा खा सकते हैं और यहाँ पर हमारा एनालिसिस गलत हो सकता है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ द मार्केट के हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी ब्रेकआउट अगर किसी भी रेंज के थ्रू हो जाता है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो, तो वो जो ब्रेकआउट है वो वॉल्यूम सपोर्टेड होना चाहिए, तभी वो ब्रेकआउट जो है सक्सेसफुल ब्रेकआउट माना जाता है मार्केट के अंदर। अदरवाइज़ वो ब्रेकआउट जो है फॉल्स ब्रेकआउट माना जाता है, फेक ब्रेकआउट माना जाता है। तो यहाँ पर हमको इस कैंडल की जो ये आज ग्रीन कैंडल बनी है इसका वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा, वॉल्यूम सपोर्टेड है या नहीं है, तभी हमको पता लगेगा कि जो ब्रेकआउट है ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। अब आप इसका वॉल्यूम कैंडल जरा चेक करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कल के दिन जब मार्केट ने बियरिश सिग्नल दिया था तब भी मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो था बहुत ही कम था। रेड कलर का जो यहाँ पर आपको वॉल्यूम बार दिख रहा है बहुत ही लो वॉल्यूम था, और आज का वॉल्यूम यहाँ पर आपको investing.com पर नहीं दिख रहा इस ग्रीन कैंडल का, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ आज जो मार्केट के अंदर वॉल्यूम रहा है वो NSE वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आज का जो वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा 499.59 मिलियंस का है वॉल्यूम, यानी कि 499, यानी कि आप राउंड फिगर में आप लगा सकते हो 500 मिलियन का यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिख रहा है। investing.com पे नहीं दिख रहा लेकिन NSE की वेबसाइट पे दिख रहा है। अब आप देखिए कि जो मार्केट का एवरेज वॉल्यूम है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है तकरीबन 620 मिलियन के आसपास, यानी कि आज का जो वॉल्यूम है वो 500 मिलियन है, जो कि 620 मिलियन से तकरीबन 120 मिलियन कम है। इसका मतलब आज का जो ये ब्रेकआउट आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ ये वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है। वॉल्यूम सपोर्टेड तभी माना जाता जब कम से कम ये 620 मिलियन के आसपास होता या उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ, 620 से ऊपर की तरफ इसकी वॉल्यूम की कैंडल होती। लेकिन आज जो भी ये ब्रेकआउट आपको दिख रहा है ये इट इज़ द टोटल पॉसिबिलिटी कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है, ये ट्रैप करने के लिए रिटेल ट्रेडर्स को बुलिश करने के लिए ये जानबूझकर बड़े प्लेयर्स के द्वारा किया गया एक ब्रेकआउट है, जो कि हम लोग देख सकते हैं टेक्निकल्स के बेसिस पे कि ये एक फेक ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए सिंपल सी बात है एक वॉल्यूम सपोर्टेड, जो रियल वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो ये ब्रेकआउट है मैंने आप लोगों को बता दिया वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है, जिसकी वजह से ये ब्रेकआउट जो होगा
एक ट्रैपिंग ब्रेकआउट होगा या फिर फेक ब्रेकआउट हो सकता है, इसका पता हमको कल मार्केट के अंदर लग जाएगा। अगर ये फेक ब्रेकआउट होगा तो मार्केट दोबारा से इसी चैनल के अंदर वापस चला आएगा कल। अदरवाइज़ अगर ये रियल ब्रेकआउट होगा, जैसे कि दूसरे लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरे टेक्निकल्स तो नहीं कहते इसको कि ये रियल ब्रेकआउट है, फिर भी अगर ये रियल ब्रेकआउट होगा तो ये ऊपर की तरफ मार्केट जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं टोटली अपने टेक्निकल्स के हिसाब से जाना चाहूँगा, जो कि मेरा वॉल्यूम सपोर्टेड ये ब्रेकआउट होना चाहिए, लेकिन अभी जो है ये वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट नहीं है, तो इसलिए ये जो भी ब्रेकआउट मुझे लग रहा है ये टोटली फेक ब्रेकआउट मुझे लग रहा है, वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है। और ये वापस प्राइस जो है निफ्टी का इसी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज के अंदर वापस आ जाएगा मेरे हिसाब से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो ये भी जो भी ये आपको आज ग्रीन कलर का यहाँ पर कैंडल दिख रहा है, ये कैंडल जनरली बड़े प्लेयर्स एक दिन पहले या फिर एक्सपायरी डे के एक दिन पहले या फिर एक्सपायरी डे वाले दिन शॉर्ट कवरिंग की कैंडल को बनाते हैं। लेकिन आज उन्होंने एक बहुत ही अच्छे से अपना प्लान को एग्जीक्यूट किया है और उन्होंने दो दिन पहले इस बार, यानी कि एक्सपायरी के दिन आने से दो दिन पहले, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड है, उन्होंने आज इस शॉर्ट कवरिंग को किया है जस्ट टू ट्रैप द रिटेल ट्रेडर। अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये जो ब्रेकआउट है ये फेक ब्रेकआउट है, एंड जस्ट टू ट्रैप द रिटेल ट्रेडर उन्होंने ये शॉर्ट कवरिंग को आज किया है ताकि सभी लोग मार्केट में बुलिश हो जाएं और वहाँ पर वो उन लोगों को ट्रैप कर पाएं। तो इस शॉर्ट कवरिंग को हम किस तरीके से समझ सकते हैं डाटा के बेसिस के ऊपर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑप्शन चेन का डाटा है, जहाँ पर आपको दिखेगा कि देखिए 12,000 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग हुआ है। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि 12,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग हुआ है, 12,300 के ऊपर यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुआ है, 12,100 के आसपास यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुआ है। तो ये जो डाटा है ये पूरा का पूरा शॉर्ट कवरिंग का आपको दिखा रहा है, कॉल साइडेड में हुई है और ये वॉल्यूम सपोर्टेड भी नहीं है। तो ये भी आपको शॉर्ट कवरिंग जिस तरीके से ये पहले की जो शॉर्ट कवरिंग की जो ये ग्रीन कलर की कैंडल्स बनी हुई हैं, ये भी देखिए यहाँ पर वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है, ये जो ग्रीन कलर के कैंडल्स हैं ये भी वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है। तो आज का भी जो ग्रीन कलर के कैंडल है ये भी वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये शॉर्ट कवरिंग हुआ है और डाटा के बेसिस पे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज शॉर्ट कवरिंग हुआ है। तो इन्होंने बहुत स्मार्टली अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया है बड़े प्लेयर्स ने, दो दिन पहले अनएक्सपेक्टेड टाइम के ऊपर अपनी शॉर्ट कवरिंग कर डाली और उन्होंने सारी की सारी पोजीशंस जो हैं आज मंथ एंड के अंदर शिफ्ट कर ली हैं। अब उनको दिक्कत नहीं होगी एक्सपायरी जो इस वीक में होगी कि उस दिन उनको शॉर्ट कवरिंग ज़रूर करनी है, ऐसा कुछ भी उनका प्लान नहीं होगा। तो अब वो डेफिनेटली आगे अपनी पोजीशंस को स्ट्रांगली बिल्ड कर सकते हैं जो भी वो चाहेंगे फ्यूचर के अंदर। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि ये जो ब्रेकआउट है ये फेक ब्रेकआउट है, वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है। दूसरी चीज़, ये जो कैंडल बना है ये एक शॉर्ट कवरिंग की वजह से बना है। अब आप यहाँ पर एक लाइन देख रहे होंगे, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये आप देख रहे होंगे, ये जो लाइन है ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो वैल्यू वेटेड मूविंग एवरेज जो कि 20 पीरियड्स का मैंने लिया हुआ है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अगर आपको एनालिसिस अच्छे से करनी है। तो मैं बेसिकली आप लोगों को ये दिखाता नहीं हूँ, लेकिन आज दिखाने की थोड़ी ज़रूरत पड़ रही है आपको समझाने के लिए, तो मैंने इसलिए आपको ये दिखाया है। तो इस लाइन का क्या मतलब होता है ध्यान से समझिएगा, ये आपके लिए एक लर्निंग भी हो सकती है। ये होता है कि अगर मार्केट जब ऊपर जाता है तो ये लाइन भी ऊपर जाना चाहिए, ऊपर की तरफ इसका पॉइंट होना चाहिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर और मार्केट यहाँ तक गया ऊपर तक, तो ये एक वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज की जो लाइन है ये पूरी की पूरी आप देख सकते हो ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। लेकिन
अभी जो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है पूरा का पूरा पिछले एक दो तीन चार पाँच पिछले एक हफ्ते से, तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज की जो लाइन है ये नीचे की तरफ पॉइंट आउट करनी शुरू कर दी है। यानी कि ये पूरी की पूरी जो मूवमेंट हुई है पिछले पाँच दिन की, ये वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है, ये सीरियस बाइंग नहीं है। यहाँ पर ये ट्रैप करने के लिए क्या कहते हैं बाइंग की शॉर्ट कवरिंग हो रही है बड़े प्लेयर्स के द्वारा, और यहाँ पर टोटली कंफ्यूज करने के लिए रिटेल ट्रेडर्स को, उनको ट्रैप करने के लिए यहाँ पर हो रहा है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, आप ट्रैप मत होइएगा। और यहाँ पर टोटली ये लाइन आपको बता रही है कि ये ऊपर की तरफ इसका पॉइंट आउट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको फ्लैट होने के बाद आगे से आप देख सकते हो ये नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। तो ये भी आपको एक पूरा का पूरा इंडिकेशन दे रही है ये लाइन, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा मार्केट ऊपर गया और लाइन भी ऊपर की तरफ गई, लेकिन यहाँ पर लाइन ऊपर की तरफ नहीं जा रही, मार्केट ही केवल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये भी आपको एक तरीके से बता रहे हैं यहाँ पर भी टेक्निकल्स कि ये जो टोटली अपसाइड मूव है ये टोटली रिलायबल मूव नहीं है और आप इसके ऊपर भरोसा मत करिए। अब इसको इसी लाइन के बेसिस के ऊपर मैं आपको एक बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है कि ये लाइन पूरा नीचे की तरफ थी और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन मार्केट ने करेक्शन लिया। यहाँ पर भी ट्रैप हुए थे बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर यहाँ पर भी बुलिश हो गए थे और यहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारा पैसा गंवाया था। मार्केट को ऊपर लेके जाया गया जानबूझकर शॉर्ट कवरिंग के द्वारा, और फिर दो ही सेशन के अंदर देखिए मार्केट कितना खूबसूरती से नीचे गिराया गया। तो यहाँ पर भी सेम कहानी रची जा रही है। तो आप ट्रैप मत होइएगा, टेक्निकल्स अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अपसाइडेड मूव को, और ये टोटली जो अपसाइडेड मूव दिखाई दे रहा है आपको ये टोटली शॉर्ट कवरिंग की वजह से हो रहा है। तो आप समझिएगा कि हो सकता है अगर ये जो मूव है ये फेक ब्रेकआउट है। और देखिए कल मार्केट को प्राइस को निफ्टी के प्राइस को इस चैनल के अंदर वापस आना चाहिए मेरे हिसाब से। अब हम डिस्कस करते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया, अब हम दिखाते हैं कि आज अगर ये शॉर्ट कवरिंग हुई तब हमने अपने चैनल के ऊपर टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्या किया, लोगों को प्रॉफिट कैसे हुआ और लोगों को मैंने हेल्प कैसे किया, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम का मैंने चैनल खोला और देखिए 9:31 के ऊपर मैंने लोगों को समझा दिया था, लोगों को बता दिया था 9:30 ही। ये मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स चैनल है टेलीग्राम के ऊपर, मैंने लोगों को बता दिया था कि निफ्टी कैन टच फर्स्ट टुडे यस्टरडेज हाई विच इज़ एट 12,135। मैंने इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को कहा था कि वो CE बाय कर लीजिए जब वो मार्केट जो था 12,100 के आसपास था, और मैंने टारगेट भी दिया था कि 12,135 एंड 12,150 का टारगेट था, सुबह 9:30 ही दिया था। और मैंने ग्रासिम के अंदर भी कहा था, स्टॉक रिकमेंडेशन थी मेरी कि 764 के ऊपर बाय कीजिएगा, 769 और 775 का टारगेट आएगा। तो आज ग्रासिम ने भी अच्छे से अपना काम किया, ग्रासिम 772 तक गया, यहाँ पर भी लोगों ने पैसा कमाया, यहाँ पर भी लोगों ने खूब पैसा कमाया। उसके बाद मैंने कहा था कि 12,140 और 150 के आसपास निफ्टी वीक दिख रहा है, तो वीकनेस दिख रही है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कहा भी था कि 12,135 के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी किया, मैंने प्रॉफिट बुकिंग का टाइम भी लोगों को बताया, मैंने यहाँ पर अपने जो दोनों ट्रेड्स थे वो भी डिस्क्लोज किया। इस तरीके से मैंने लोगों को ये भी बताया, देखिए यहाँ पर जब 769 का टारगेट आ गया था ग्रासिम के अंदर तो मैंने थम्स अप का साइन दिया था, लोगों को कहा था कि टारगेट अचीव हो गया है। तो इस तरीके से अब एक बहुत अच्छी बात देखिएगा कि 10:45 के ऊपर मैंने डाला था कि ईटिंग प्रीमियम हो सकता है और मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है और प्रीमियम डीके होगा, तो ये आपको ये आपका लॉस इंक्रीज करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डाला था,
11:45 डाला था और आप देख सकते हो कि 1:45 बजे तक तकरीबन 4 घंटे मार्केट आज रेंज बाउंड घूमता रहा और मैंने इसका जो इंडिकेशन था वो एक तकरीबन 4 घंटे पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिया था। तो इस तरीके से जो है मैं हर चीज़ देखिए यहाँ पर मैंने डाला कि मैंने 3 ट्रेड लिए, तीनों प्रॉफिटेबल रहे और मैंने इन तीनों ट्रेड्स के बारे में लोगों को बताया भी था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो इस तरीके से जो है मैंने आज शॉर्ट कवरिंग हुआ उसको मैंने पहचाना लाइव मार्केट के अंदर, और इसलिए मैंने लोगों को कहा भी कि उन क्या कर सकते हैं, इसका इंडिकेशन क्या कर सकते हैं। तो हो सकता है कि मेरा कल का सैलॉन निफ्टी वाला जो व्यू था वो आज शॉर्ट कवरिंग की वजह से ठीक ना गया हो, लेकिन उसका भी कोई लोगों को मेरे ट्रेडर प्रॉफिटेबल चैनल्स के ऊपर लोगों को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा उसका भी, और लोगों ने आज भी प्रॉफिट कमाया, मैंने भी पर्सनली प्रॉफिट कमाया। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर हमारी एनालिसिस अच्छी होगी और हम लाइव मार्केट के अंदर समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो हम हमेशा ही क्या कहते हैं प्रॉफिट ही कमाएंगे चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। तो टेक्निकल्स के हिसाब से निफ्टी व्यू अभी तो मुझे जो ब्रेकआउट हुआ है वो फेक ब्रेकआउट लग रहा है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कल मार्केट कुछ भी होता है तो मैं लाइव मार्केट के अंदर आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर हेल्प ज़रूर करूँगा और वहाँ पर आप प्रॉफिट कमा सकते हो। मैं सुबह 9:30 बजे के आसपास या 9:45 के आसपास ही अपनी एनालिसिस को चालू कर देता हूँ लाइव मार्केट के अंदर और लोगों की हेल्प करता हूँ। तो वहाँ पर आप आके मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, लाइव मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता उसका टोटल लाइव मार्केट के अंदर इंडिकेशंस जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ, और सही तरीके से लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं वहाँ पर भी चाहे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए। तो टेक्निकल्स अपनी जगह पर हैं, लेकिन हमारा प्रॉफिट जो है हमारा रेगुलर होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, मैं इसी पर जोर देता हूँ। रिटेल ट्रेडर्स का प्रॉफिट ज़रूर होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने अपना प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स चैनल के नाम से जो चैनल है वो टेलीग्राम के ऊपर बना रखा है। आप यहाँ पे आइए, ज्वाइन कीजिए, इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। आप मेरे ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन के नीचे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आपको। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प ज़रूर मिल रही होगी और रेगुलर लोग प्रॉफिट कमा रहे होंगे। तो कल मिलते हैं लाइव मार्केट के अंदर सुबह 9:00 बजे मेरे चैनल पे जो टेलीग्राम का बना हुआ है प्रॉफिटेबल ट्रेडर चैनल्स, आप इसको ज्वाइन कीजिए और प्रॉफिट कमाइए। धन्यवाद अभी के लिए, थैंक यू।